नमस्कार सभी को। मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिका का पंचम पाठ जो है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम हमारा है वृक्ष। हम आज इस जो पाठ में पंचम पाठ में वृक्षों की जानकारी करेंगे कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए, वृक्षा यानी कि वने वने निवसंतो निवसंतो वृक्षा, यानी कि बने बने यानी कि प्रत्येक वन में निवसत यानी कि वृक्ष निवास करते हैं। प्रत्येक वृक्ष में प्रत्येक वन में क्या क्या रहते हैं? वृक्ष रहते हैं। कहीं भी पर भी वन हो वहां पर क्या है? वृक्ष है। ठीक है ना। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा यानी कि रचयन्ति का मतलब होता है रचना करना, है ना। और वृक्षा यानी कि वनम यानी वनम वनम में वृक्षों की प्रत्येक वन में यानी कि वृक्षों की क्या की जाती है दोस्तों? रचना की जाती है, उनको लगाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद निवसंतों का अर्थ देख लीजिए दोस्तों। निवास निवास करना, निवास। ठीक है। बने बने का मतलब प्रत्येक वन में, प्रत्येक वन में। ठीक है ना। तो इसका तो क्या मतलब? प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक मतलब हर वन जो है उसमें हम वृक्षों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, शाखा दोला सीना बेहंगा यानी कि शाखा का मतलब होता है डाली और दोला सीना का मतलब होता है झूला। कल बताया था मैंने कि दोला का मतलब क्या होता है? झूला। और शाखा का मतलब क्या होता है? जाली, डाली। ठीक है ना, डाली। तो इसमें क्या कह रहा है कि शाखा दोला सीना बेहंगा यानी कि शाखा जो वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उन पे बेहंगा यानी कि पक्षी जो है वो झूला झूलते हैं। ठीक है ना। बेहंगा मतलब होता है पक्षी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं उस पर पक्षी जो है वो झूला झूलते हैं। ते किमपि गुंजति बेहंगा यानी कि क्या वह गुंजन करते हैं या कुकुकू की आवाज निकालते हैं। ठीक है ना। यानी कि उन वृक्षों पर वो जो पक्षी हैं वो कैसी मतलब आवाज निकालते हैं। ठीक है ना, गुंजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तो हो गया। अब दूसरे की ओर चलते हैं अपन। देखिए, पिबन्ति पवनम जलम सतंतम यानी कि इसके इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जल वहां पर जंगल में वो क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं और जल का ग्रहण करते हैं, पीते हैं, जल को पीते हैं। ठीक है ना। यानी कि वो डालियों पर क्या करते हैं? पक्षी वहां बैठे रहते हैं, वह झूला झूलते रहते हैं और उसके बाद में पवन का मतलब हवा में उड़ते हैं और जलम सतंतम यानी कि जल का संग्रहण करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। साधु जना एव सर्वे वृक्षा और सज्जन जन जो है वो इन सभी वृक्षों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। यानी कि ये वृक्ष जो है वो सज्जनों की तरह एक ही जगह मतलब खड़े रहते हैं और सभी को फल फूल और वृक्ष देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक। इसके बाद में स्पृंति पादे पातालम च यानी कि स्पर्श करना और वो अपने
पैरों से क्या करते हैं, पातालम च, और जमीन को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। नव शिरसु बिहंगी वृक्षा, और जो वृक्ष है वो जो पक्षी है वो नव यानी आकाश में सिर को उठा करके और बहंति वृक्षा और दौड़ते हैं, और फिर उसके बाद में जाकर के वृक्ष पर जाकर के क्या है बैठ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो पक्षी है वो जमीन पर पैरों से स्पर्श करते हैं और फिर उसके बाद में वो मतलब नव आकाश में उड़ते हैं, सिर को उठा करके बहंती वृक्षा और सिर के वृक्ष के सिर के ऊपर वो क्या करते हैं बैठ जाते हैं, अपने पैरों को रख करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मात्रा देखते हैं अपन, देखिए पाद्यो दर्पणे स्व प्रतिबंधम, यानी कि अपने जो पाद दर्पण यानी कि प्रतिबिंब जो है उसको क्या करते हैं वो स्वयं देखते हैं अपने प्रतिबंध को, मतलब पक्षी जो है वो कोई भी अगर मतलब जल है या अपन दर्पण लगा देते हैं उसमें जो पक्षी जो है ना वो अपने स्वयं को देखते हैं, यानी कि उसमें देख करके चोंच भी मारते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, और वो वृक्ष पर बैठे हुए मतलब कौतुक करते रहते हैं और देखते रहते हैं, मतलब प्रत्येक जो वन में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो पक्षी जो है वो वृक्ष पर बैठ करके उनको क्या कर रहा है देख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं प्राचार्य स्वच्छाया संतिस्तरणम गुरुवंती सत्कारम रक्षा, यानी कि डॉक्टर हरिदेव माधव जो है इसके रचना का वो क्या कह रहे हैं कि स्वछाया संत यानी कि वृक्ष जो है वो सभी को छाया प्रदान करते हैं और कुर्वंती सत्कारम रक्षा, और सभी का सत्कार करते हैं, है ना, और सभी को फूल देते हैं फल देते हैं और छाया प्रदान करते हैं। और इसलिए इस जो हमारी जो कविता है इसमें बताया गया है कि वृक्ष हमें मतलब प्रत्येक जंगल में जो है वो वृक्ष है और हमें प्रत्येक जंगल में वृक्ष लगाने चाहिए, और इसके बाद में जो पक्षी हैं वो उसकी डाल पर झूला झूलते हैं, उनमें बैठ करके किसी के भी प्रतिबिंब को अपने प्रतिबिंब को वो देखते हैं, और इसके बाद में मतलब अपना जो है कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष पर बैठ करके वो किसी भी मतलब जंगल में होने वाले कार्य को वो देखते रहते हैं, और वो आकाश में उड़ते हैं और पृथ्वी पर जो है वो स्पर्श अपने पैरों को स्पर्श करके बैठ जाते हैं। उसके बाद में प्रसाद यानी स्व यानी वृक्ष जो है वो सभी को छाया प्रदान करते हैं और कुर्वंती सत्कारम, और हमें वृक्षों का सम्मान करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारा जो पंचम पाठ था उसमें आज वृक्षों के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।